दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तानाजी दी अनसंग वॉरियर के 30वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म के अब तक की टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों अजय देवगन सर की फिल्म तानाजी दी अनसंग वॉरियर ने बॉक्स ऑफिस में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। वहीं दोस्तों स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अजय देवगन, काजोल, सैफ अली खान, शरद केलकर, युग कैने और नेहा शर्मा नजर आई हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया ओम राउत ने और इसे प्रोड्यूस किया अजय देवगन, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने। वहीं दोस्तों कलेक्शन की बात करें तो आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 15 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 118 करोड़ 91 लाख का, दूसरे हफ्ते में 78 करोड़ 54 लाख का, तीसरे हफ्ते में 40 करोड़ 42 लाख का और चौथे हफ्ते में 21 करोड़ 63 लाख का कलेक्शन किया है। अभी दोस्तों इस फिल्म का पांचवा हफ्ता शुरू हो चुका है और इस फिल्म ने अपने 29वें दिन में 1 करोड़ 78 लाख का कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ इस फिल्म के 29 दिनों का टोटल नेट कलेक्शन 261 करोड़ 30 लाख हो चुका है। तो ओवरसीज में इस फिल्म ने अब तक 37 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वहीं दोस्तों इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अब तक 345 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया। वहीं दोस्तों वर्डिक्ट की बात करें तो आपको बता दूं कि इस फिल्म का टोटल बजट 110 करोड़ है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में अब ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। वहीं दोस्तों इस फिल्म के 30वें दिन के कलेक्शन की बात करें तो एस्टिमेट बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के हिसाब से ये फिल्म अपने 30वें दिन में 4 करोड़ तक का कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करें ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।